सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल वेटरनरी स्टडी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए सभी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर। पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2022 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो भर्तियाँ आई थी उसके लिए 2022 का परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम जो है जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ में एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए जारी की गई है कि इस बार इस भर्ती में जो है माइनस मार्किंग 100% होगी, जिसकी सूचना मैंने जो है आपको 4 महीने पहले एक वीडियो में बताई थी कि आपके जो है माइनस मार्किंग होने की संभावना है एग्ज़ाम में। पशुधन सहायक 2022 की जो भर्ती आई है उसमें जो है माइनस मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगा। तो पूरी जो डिटेल है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। और जो नया सिलेबस जारी हुआ है, जो नई स्कीम आई है परीक्षा के, वो भी इस वीडियो के साथ में आपको मैं बता रहा हूं। तो साथियों, वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और साथियों, पशुपालन वेटरनरी से संबंधित हर तरह की जानकारी पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसके लिंक जो है यू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगी। तो साथियों, शुरू करते देते हैं अपने वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं परीक्षा स्कीम को। पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2022 हेतु परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम। परीक्षा स्कीम देखते हैं तो आपका प्रश्न पत्र कितने भाग में आएगा, कितने अंक का है और अधिकतम अंक और समय कितना आपको दिया जाएगा। तो आपका जो है प्रश्न पत्र 2 भागों में आएगा, भाग अ और बी, ब यानी कि ए और बी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें भाग अ में सामान्य ज्ञान आएगा आपका पूरा राजस्थान जीके सामान्य ज्ञान आएगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति, परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल, ये आपके टॉपिक आएंगे जो कुल 40 अंकों का होगा। ठीक है साथियों, टोटल 40 नंबर का होगा। और भाग बी या फिर ब में आपकी वेटरनरी साइंस जो आपके 10 सब्जेक्ट है, 200 सब्जेक्ट आएगी इसमें, जिसमें एनाटॉमी, फिजियो, जेनेटिक्स, एलपीएम, एक्सटेंशन इत्यादि जो सब्जेक्ट है, मेडिसिन, फार्मा, गाइनो, ये सभी 10 सब्जेक्ट आपके वेटरनरी साइंस में आएंगे जो 80 नंबर के होंगी। तो इसमें इस प्रकार से 40 और 20 टोटल 120 अंकों का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 120 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। तो साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा और 120 आपके क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया गया, इस हिसाब से 160 मिनट यानी कि पर क्वेश्चन, पर नंबर, पर 1 मिनट आपको इसमें समय दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आप देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे, वह सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ए बी सी डी या फिर अ ब स द करके क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्ण अंक 40% है, इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए प्राप्त नहीं होंगे, यानी कि आपको मिनिमम जो है 40% अंक लाना है, 120 में से 40% नंबर लाने हैं पास होने के लिए। और सिलेक्शन के लिए जो है साथियों, आपके जितनी जो मेरिट जाती है उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा और पास होने के लिए आपको 40% लाना जरूरी है। और इससे कम अगर आपको नंबर आते हैं तो प्रतिशत होते हैं तो आपको इसके लिए पात्र नहीं चुना जाएगा नियुक्ति के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तीसरा, कि किसी भी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्त अंकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक 1/3 अंक काटा जाएगा। ठीक है साथियों, कितना 1/3, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन करते हो और अगर 4 में से 3 सही होते हो और 1 आपका गलत हो जाता है तो आपका 3 नंबर जो आए थे उनमें से आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा, मतलब कि आपको 2 नंबर ही दिया जाएगा। एक बार फिर से सुनिए साथियों, कि अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है साथियों, 4 क्वेश्चन किए हैं उनमें से आपका 1 क्वेश्चन जो है गलत हो गया तो आपके जो है 3 क्वेश्चन राइट हुए हैं, तो इन 3 क्वेश्चन में से 3 नंबर में से 1 क्वेश्चन जो राइट हुआ वो आपका काट दिया जाएगा। तो टोटल मिला के आपको जो है 4 में से 2 अंक प्राप्त हुए, ये होती है माइनस मार्किंग। और इस प्रकार से आपका हर राइट क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन गलत आंसर का
काटा जाएगा। तो यह इस बार इस भर्ती में यह सबसे बड़ी ब्रेक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि इस बार 1/3 अंक काटा जाएगा आपके इस एग्ज़ाम पशुधन सहायक एग्ज़ाम में। और साथियों पाठ्यक्रम जो है आप सभी PDF के फॉर्मेट में आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इससे पहले मैंने आपको जो सिलेबस बताया था वो और ये सिलेबस सेम है जो आप ये देख सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ही मुख्य बात बतानी थे माइनस मार्किंग की और जो नया सिलेबस जारी हो गया है उसके बारे में। तो साथियों आपके इस बार माइनस मार्किंग होगी और नया सिलेबस जारी हो चुका है, पिछला और नया सिलेबस दोनों ही सेम है। और आपका अब जो है 2 महीना शेष रहा है, इसमें आप अपनी तैयारी अच्छे करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेवे। आशा है कि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।